जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं असिस्टेंट लोको पायलट एग्जाम 2024 के बारे में। तो क्या आपका एग्जाम 2024 में संभव है या फिर नहीं है, क्योंकि रेलवे के द्वारा आपके एग्जाम की जो डेट है वो महीने आ चुके हैं, वो डेट अभी तक आई नहीं। आखिर में एग्जाम कब तक होगा, अभी तक नहीं ये भी नहीं आया कि आपका जो फॉर्म है अप्लीकेशन वो एक्सेप्ट हुआ है या फिर नहीं हुआ। तो आपको ऐसा माना जा सकता है कि आपका एग्जाम 2024 में संभव नहीं है। इसके पीछे क्या बातें हैं, कब तक में आपका एग्जाम होगा, साथ में लाखों छात्रों के साथ किस तरीके से रेलवे खिलवाड़ कर रहा है, इन तमाम चीजों के बारे में आज मैं इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। इसलिए गाइस आप बिना स्किप किए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, और यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं और रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फाइनली गाइस हम सबसे पहले आपको यहाँ पे एक चीज डिस्कस कर दी कि आपका जो रेलवे में बोला गया था कि आपका ALP का जो एग्जाम होने वाला है वो आपके लिए जून जुलाई अगस्त 3 महीने का टाइमिंग दिया गया था, लेकिन देखोगे तो आपका मिड जुलाई भी जो है तो वो पूरी तरीके से आ चुका है, लेकिन अभी तक रेलवे में किसी तरीके की कोई भी उथल पुथल या फिर कोई भी अपडेट नहीं आई कि आपका जो एग्जाम है वो कब तक में होगा। अभी तक एप्लीकेशन स्टेटस भी नहीं आए। तो देखो गाइस सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपके एग्जाम होने से लगभग 1 से 2 महीने पहले आपका एप्लीकेशन स्टेटस आता है। एप्लीकेशन स्टेटस में आपको सुधार का टाइमिंग दिया जाता है, उसके बाद आपका दोबारा जो है तो आपकी एग्जाम डेट आती है, और उसके बाद आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। इन पूरी प्रक्रियाओं में यदि हम देखें, यदि बहुत ही जल्द कार्रवाई होती है तो 40 से 45 दिन लग सकता है। तो कुल मिलाकर एक चीज़ तो 100% सितंबर में अब तो संभव बिल्कुल भी नहीं है किसी भी तरीके से आपका सितंबर 2024 में आपका एग्जाम होने वाला नहीं है। अब बात देखो कि क्या रेलवे का जो एग्जाम है वो 2024 में होगा या फिर नहीं होगा। रेलवे की भर्तियों के बारे में आपको हमेशा पता है, इसके पहले जब आपका 2019 में ENTPC की वैकेंसी आई थी वहां पर जून से सितंबर के बीच में ENTPC के एग्जाम के बारे में भी बताया गया था, लेकिन आपको पता है वो एग्जाम जाकर 2021-22 में हुआ। तो ये कहने का मतलब ये रेलवे का फंडा ये है कि वो एग्जाम तो एप्लीकेशंस के टाइम पर एग्जाम डेट के बारे में बोल देते हैं लेकिन एग्जाम कराते नहीं। तब बिल्कुल निश्चिंत नहीं, आपका एग्जाम 2024 में किसी भी तरीके से कहीं दूर दूर तक संभव नहीं दिख रहा है। काफ़ी लोग कमेंट करेंगे कि भाई ऐसा नहीं है, ये चीज़ें तो भाई देख लेना, यही चीज़ें होने वाली, कोई भी एग्जाम वगैरह नहीं होने वाला है। आप बिल्कुल अच्छे से तैयारी करो, आपकी वैकेंसी भी बढ़ चुकी है, 18-19 हज़ार वैकेंसी आ चुकी, अच्छा आपके लिए मौका है। तो गाइस आप अच्छे से तैयारी करें। अब ये जितने भी छात्र हैं, काफ़ी लोगों की उम्मीद होती है कि भाई रेलवे ने बोला कि साल के अंदर भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट करा देंगे और जो भी ये कैंडिडेट है उनका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपके 18 से 19 लाख कैंडिडेट जो हैं ALP के लिए अप्लीकेशन किए हैं, उनकी ज़िंदगी के साथ एक तरीके से खिलवाड़े के रेलवे इस वैकेंसी को भी 4 से 5 साल ले जाना चाहता है। तो आपका जो है तो ये बड़ा मुश्किल वाली चीज़ें हैं। काफ़ी लोग जो है तो इसके लिए अटेंड कराते हैं, ये ट्विटर पर कराते हैं, इससे कुछ होने वाला है नहीं, रेलवे को सुनने वाला है नहीं। तो आप लोग केवल अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान दें, जितना भी टाइम मिल रहा है अच्छे से तैयारी करो, बिल्कुल सिलेक्शन के अच्छे चांसेस हैं, ऐसे चांसेस बार बार नहीं मिलता है, और अपना लास्ट एग्जाम मानकर इस एग्जाम की तैयारी करो। और गाइस जैसे ही आपके लिए क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है, कौन से जोन से कितने एप्लीकेशन से फॉर्म हुए हैं, क्या आपका जोन वाइज कंपटीशन, इन तमाम चीज़ों के बारे में आपको अगले वीडियो में बिल्कुल आपको बताने वाला हूँ। और एक हमारी सीरीज में आपके रेलवे लोको पायलट के लिए चला रहा हूँ जिसमें आपको सभी जानकारियाँ मिल जाएगी। तो फाइनली गाइस यदि आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट है कॉमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मिलता हूँ नेक्स्ट अपडेट के साथ, रेडी विथ मैथ फन।